जागो इंडिया के सफर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोपी पार्टी के दो कार्यकर्ताओं को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन ऐसे ही आरोपों के घेरे में आई राखी बिड़लान को क्लीन चिट दे दी। यूपी के बलिया में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर हंगामा बरपा, तो सहारनपुर के उम्मीदवार योगेश दहिया के खिलाफ केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली में विरोध हुआ। इसके बाद केजरीवाल ने खाप पंचायत की तरफ फरमान सुनाते हुए पार्टी की अवध संयोजक अरुणा सिंह और हरदोई के कोषाध्यक्ष अशोक कुमार को भ्रष्टाचारी बताकर पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन राखी बिड़लान को क्लीन चिट दे दी। वो हमने चेक कर लिया, वो सब वो ठीक नहीं, वो गलत है। बिना वकील बिना दलील जो केजरीवाल को सही लगा उसे उन्होंने सही ठहरा दिया, जबकि आम आदमी पार्टी के उत्तर पश्चिम दिल्ली से पूर्व उम्मीदवार महेंद्र सिंह चीख चीख कर कहते रहे कि राखी ने उनसे चुनाव प्रचार करने के लिए 7 लाख रुपए मांगे थे। वो मेरे से पैर पकड़वाती है, मेरे से पैसे मांगती है, तो उससे जो कार्यकर्ता उससे पैसे नहीं मांगेगा। दूसरों को पहली नजर में दोषी मानने वाले केजरीवाल जी, आखिर राखी बिड़लान पर ऐसी इनायत क्यों? आखिर इस दोहरे रवैये का क्या मतलब है?